आप देख के पहले तो गेस कर दीजिए, 2-3 सेकंड आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इस इमेज को ध्यान से देखिए एंड बताइए गाइज आपको इसके अंदर क्या स्पेशल दिख रहा है। तो गाइज सही गेस किया आपने, यहाँ पे हम लोग को मिल रही है गोल्डन ट्रिगर M416 की गन स्किन। जी हाँ गाइज, ये इवेंट्स के अंदर आने वाली है एंड ये एक लेजेंडरी गन है एंड इसका दी बेस्ट लुक है गाइज M416 की गन के अंदर। अपग्रेडेबल वालों का चलो किल इफेक्ट वगैरह होता है, बट जो लुक की बात करें तो मेरे को तो ये दी बेस्ट गन लगती है M416 की गोल्डन ट्रिगर की गन स्किन। तो हम लोग को गाइज पबजी की तरफ से फिर से मौका मिलने वाला है इस गन स्किन को लेने का। तो गाइज सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं स्पॉन आइलैंड पे एंड स्पॉन आइलैंड पे यहाँ पे इस साइड आपने देखा होगा एक यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक ब्रांड न्यू बोर्ड लगा हुआ है एंड ये 0.15.5 का अपडेट जो आया था लास्ट फ्राइडे को, तब से यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, बट आपको ये नहीं पता होगा कि ये क्या है। यहाँ पे लिखा है नो सेंचुरी है, नीचे कुछ तो स्मज किया हुआ है पूरा, उसको नीचे एक मैप भी है, तो ये सारी चीजें क्या है हम लोग आगे देखते हैं। गाइस अब हम चलते हैं वाटर सिटी की तरफ, रोजॉक के यहाँ पे जो वाटर सिटी है वहाँ पे एक ब्रिज है, उस ब्रिज के यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम टू सेम बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा है नो सेंचुरी, नीचे एक मैप है। तो गाइस ये क्या है, ये मिस्टीरियस मैप है क्या? तो गाइस बहुत सारी जगहों पे ऐसे आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं जॉर्जो पुल एंड जॉर्जो पुल पे भी वहाँ पे शेड्स है, कंटेनर्स के ऊपर भी लिखा हुआ है, बट यहाँ पे गाइस जॉर्जो पुल में हो रही थी फाइट एंड मेरे पास बिल्कुल कोई सामान नहीं था, कोई लूट नहीं थी, मैं बस इस वीडियो को बनाने के लिए यहाँ पे जो भी लोकेशंस है वहाँ पे जाके आपको दिखाना चाह रहा था, तो यहाँ पे तो चक्कर काटते हैं बट यहाँ पे कुछ फायदा नहीं है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ से अभी हम लोग निकल लेते हैं एंड एक दूसरी लोकेशन है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस जॉर्जो पुल के यहाँ पे जो ब्रिज है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये है, बट यहाँ पे मैं उतर नहीं सकता क्योंकि काफी गोलियां पड़ रही है एंड यहीं पे नॉक हो जाऊंगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया है, तो अब हम चलते हैं सेवर्नी की तरफ एंड गाइस सीजन 10 की जो यूएसएड की स्किन है, ये सीजन 10 आने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम चलाई है एंड ये स्किन बहुत ही मस्त लग रही है। इसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट सा फिनिश दिया है, छत के ऊपर भी डिजाइन है, साइड में भी डिजाइन है, तो बहुत मस्त लग रही है। मैंने जब आरपी में देखी थी तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये स्किन इतनी मस्त होने वाली है, बट बहुत सही लग रही है। आप लोग को भी ये स्किन कैसे लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो गाइज अब हम पहुंच गए हैं सेवर्नी में, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा है डोंट ओपन डेड इनसाइड, यानी कि गाइज इन्होंने हिंट दिया है कि ये दरवाजा वगैरह खोलो मत क्योंकि अंदर डेड पीपल है, यानी कि गाइस दी वॉकिंग डेड वाले लोग हैं। कई सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि डोंट ओपन डेड आउटसाइड, मतलब आप घर के अंदर हो एंड बाहर सारे डेड ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं तो खोलो मत दरवाजा। तो गाइस ये सारे के सारे ईस्टर एग्स है जो पबजी ने हिंट किए हैं इनके वॉकिंग डेड के कोलैप के डायरेक्शन में। यहाँ पे गाइज आपको मैं इमेजेस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये वॉकिंग डेड का कैरेक्टर है रिक ग्राइम, जो पबजी के अंदर भी आ चुका है, क्रेट के अंदर आया था कुछ दिन पहले एंड साथ ही साथ गाइज बहुत ही जल्द आने वाला है इरेंगल 2.0। जी हाँ गाइज 0.16 का अपडेट हम लोग को मिलने वाला है करीबन 10 दिसंबर के करीब, 9 से 10 दिसंबर में अपडेट जैसे ही मिलेगा उसके अंदर आने वाला है ब्रांड न्यू इरेंगल, यानी कि इरेंगल 2.0 एंड ये गाइज चाइनीज एंड ग्लोबली सेम टाइम में लॉन्च होने के चांसेस है एंड इसका बीटा वर्जन आ सकता है 20 तारीख के करीब, यानी कि अगले हफ्ते। एंड जैसे ही बीटा वर्जन आ जाएगा उसके अंदर हम लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल मिल जाएगी कि इरेंगल 2.0 किस तरीके से होने वाला है, उसका जो लुक चेंज हुआ है, तो अलग अलग अपने लोकेशंस है वो एकदम ही ब्रांड न्यू लुक में आने वाले हैं, नए नए घर भी ऐड होने वाले हैं, नए वेयर हाउसेस ऐड होने वाले हैं, लूट वहाँ पे ज्यादा मिलने वाली है एंड सब कुछ यार काफी कमाल का होने वाला है। तो गाइज बहुत नजदीक आ चुके हैं हम लोग इरेंगल 2.0 के लॉन्च के। आपने गाइस फाल्कन को अनलॉक किया है तो वहाँ पे आपने एक ट्रेलर भी देखा होगा, कंपेनियन वाला जो ट्रेलर है, तो यहाँ पे मैं आपको ट्रेलर पहले तो प्ले करके दिखा रहा हूँ एंड इसके अंदर भी पबजी ने कुछ हिंट्स किए हैं, कुछ ईस्टर एग्स दिए हैं जहाँ पे हम लोग को बताया गया है कि आप लोग को बहुत जल्द पबजी मोबाइल के अंदर क्या क्या देखने मिलने वाला है। Join us, little sidekick. You can. Let's go. Wait for me.
तो गाइज आपने ट्रेलर तो देख लिया पूरा, बट आपने वहां पे देखा होगा एक ब्रांड न्यू यूएसजेड। तो गाइज जो बेसिक यूएसजेड रहती है उसका लुक यहां पे चेंज होने वाला है, जैसे चाइनीज गेम फॉर पीस में उसी तरीके से होने वाला है। तो आप ये वाली इमेज देखिए, यहां पे आपको दिख रही है स्क्रीन पे एक यूएसजेड एंड उसके साथ साथ दिख रही है दासिया, जिसका नाम पबजी ने अभी सीडान कर दिया है। ये दासिया नहीं, अब ये सीडान हो चुकी है एंड इसका एक पुराने तरीके का लुक दिया है दासिया को। आप देखो यार, रेड कलर की दासिया काफी मस्त लग रही है एंड एकदम वर्न आउट लग रही है एंड काफी सही लग रही है। एक नया चेंज यहाँ पे हुआ है एंड यूएसजेड भी देखिए, बेसिक जो यूएसजेड है इस तरीके से होने वाली है। ऑलरेडी गेम फॉर पीस यानी कि जो चाइनीज पबजी है उसके अंदर यूएसजेड एंड दासिया चेंज हो गई है। तो ये वाली गाइस हम लोग को मिलने वाली है इरांगल 2.0 में। एंड साथ ही साथ आपने ट्रेलर में नोटिस किया होगा एक ब्रांड न्यू फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम है सारा, जो है एक व्हीकल एक्सपर्ट या व्हीकल इंजीनियर, तो वो भी आने वाली है एंड इरांगल 2.0 के साथ यानी कि 0.16.0 का अपडेट आएगा, उसके साथ हम लोग को मिल जाएगी सारा जो कि है ब्रांड न्यू कैरेक्टर। तो गाइस ये सारी चीजें हम लोग को मिलने वाली है 10 दिसंबर के करीब, यानी कि 0.16 का अपडेट जो आएगा 10 दिसंबर के करीबन आएगा एंड गाइस नेक्स्ट वीक इसका बीटा रिलीज हो जाएगा। तो गाइस मैं तो वेट कर रहा हूँ कि यार कब बीटा रिलीज हो, ताकि सारी की सारी ब्रांड न्यू लीक्स एंड कमाल की इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ जल्द से जल्द पहुंचा सको। सो गाइस आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बहुत ही मस्त M416 की गन स्किन आने वाली है, जिसे हम लोग लैब के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। जी गाइस काफी कमाल की गन स्किन है एंड फाइनली ये गन स्किन यहाँ पे आ चुकी है। तो पहले तो गाइस इसके लैब में चलते हैं एंड वहाँ पे देखते हैं यार ये गन स्किन का क्या सीन है। तो इसका नाम है वांडरर M416 एंड बहुत ही जल्द हम लोग को वेस्टलैंड रॉ में गन स्किन मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए इसका किल इफेक्ट काला धुआं यहाँ पे निकल रहा है, फिर लेवल 3 पे ऐसी हो जाएगी। किल मैसेज भी कतई जहर लग रहा है यार एंड रिजल्ट इमोट की तो क्या ही बात करे। अल्टीमेट में ये गन स्किन इस तरीके से दिखने वाली है एंड लूट क्रेट देखो भाई, ऐसा लूट क्रेट इसका बनेगा। तो गाइस आपको मैं एक ट्रेलर दिखा देता हूँ जो पबजी मोबाइल ने रिलीज किया है एंड वो डायरेक्टेड है इस गन स्किन के ऊपर एंड ये जो लूट क्रेट बन रहा है वो सब कुछ आप उसमें देख सकते हैं। तो गाइस पहले तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए आपको ये गन कैसे लगी एंड इसका ये लूट क्रेट एंड ट्रेलर कैसे लगा। यार मेरे को तो काफी मस्त लगा एंड अब देखते हैं गाइस कुछ और नए नए आउटफिट जो आने वाले हैं एंड कल गाइस एक ब्रांड न्यू प्रीमियम क्रेट आने वाला है, उसके अंदर ये सब आ सकता है जो भी आउटफिट्स वगैरह है। गन के लिए तो वेस्टलैंड ड्रॉ में गन आएगी तो उसको देखते हैं, बट यहाँ पे देखिए असैसिन ऑफ द डॉन सेट, ये मैंने आपको लीक्स में भी बताया था, तो ये आउटफिट यहाँ पे आ चुका है एंड इसके साथ साथ हम लोग को एक मिथिक मिलने वाला है जिसका नाम आर्मर्ड हंटर हेड गियर एंड मिथिक आउटफिट भी है। ये देखिए गाइस इसके साथ यार ये जबरदस्त इमोट है जो आपको मैंने सीजन 10 के लीक्स में बताया था। तो फाइनली गाइस ये भी यहाँ पे आने वाला है एंड मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग को कल ही देखने मिल जाएगा प्रीमियम क्रेट के अंदर। तो गाइस आपको प्रीमियम क्रेट की ओपनिंग चाहिए तो आप नीचे हैशटैग यस लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो भाई आपको पता है हैशटैग नो लिखना है बस, ठीक है। एंड ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी है आर्मर्ड हंटर दासिया, तो इसका मैंने पूरा गेम प्ले आपको दिखाया था, तो ये गाड़ी भी हम लोग को देखने मिलने वाली है मोस्ट प्रॉब्ली कल ही। एंड यहाँ पे यार ये देखिए, ये चीज़ तो ऑलरेडी आ चुकी है तो इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे ये वाला देखिए गाइस मैकेनिकल मशीनरी सेट जो काफी रोबोटिक टाइप का एंड काफी खतरनाक ही लग रहा है। यहाँ पे कुछ और चीजें देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए ये जो बॉडी बिल्डर वाला इमोट था ना, ये देखिए ये भी यहाँ पे आने वाला है। ये इसका आउटफिट, बॉडी बिल्डर सेट है इसका नाम एंड चिकन हेड इसके ऊपर है। एंड गाइस ये देखिए ये वाला आने वाला है M416 का जो वेस्टलैंड ड्रॉ आएगा उसके साथ इसके आने के चांसेस है। इरेडिएटेड फ्रॉग सेट एंड ये है इरेडिएटेड फ्रॉग का हेड गियर, बट इतना ही नहीं गाइस यहाँ पे एक हेलमेट भी मिलने वाली है, इरेडिएटेड फ्रॉग हेलमेट ये है, फिर ये हेड गियर है। एंड यार ये तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है बट काफी धासु भी लग रहा है यार, बहुत ही जबरदस्त सा लग रहा है, एकदम अलग ही इसका लुक है। एंड गाइस ये वाली तो मैकेनो रूस्टर VSS ऑलरेडी आ चुकी है ट्रेजर्स में, आपने देख ही ली होगी। तो गाइस इसी थीम पे बेस्ड आने वाला है मैकेनो रूस्टर पैराशूट, मैकेनो रूस्टर की प्लेन फिनिश एंड फिर गाइस ये बैकपैक भी यहाँ पे आने वाली है, तो काफी अच्छी अच्छी चीजें गाइस यहाँ पे आने वाली।